हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक्चुअली मेरा जो है जन्माष्टमी के दिन का छोटा सा व्लॉग है। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हस्बैंड और जो छोटा बाबू है मेरा जितना कुछ छोटा छोटा क्लिप लिया है उसी को जोड़ जाड़ के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी के रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू भी हो चुका है। एक्चुअली उस दिन जो है हस्बैंड जी का ड्यूटी था, उनको सुबह के 11 बजे तक निकलना था और नाइट ड्यूटी भी था। उसी के वजह से मैं शाम को मंदिर नहीं जा सकती थी और अकेले मुझे मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनके टाइमिंग के हिसाब से मुझे उनके साथ घर का भी पूजा ख़त्म करना था। ख़त्म तो नहीं होगा, ये शाम का पूजा है तो शाम को तो मैं करूँगी ही घर में अच्छे से, और उनके साथ जितना मतलब पूजा करना है वो मुझे करना है और उनके साथ मंदिर भी दर्शन के लिए जाना है। तो उसी हिसाब से सब कुछ अच्छे से हो गया। और इसी बीच मतलब उनको फिर ड्यूटी पर विदा करने के बाद और भी बड़ा सा काम था जो कि मेरे बाबू ने मुझे दिया था, उनको कान्हा बनना था। वो दो दिन पहले ही ऐसे मतलब टीवी में कृष्णा वगैरह देखते हैं तो उनका वो रहता है कि मुझे भी कृष्णा बनना है। तो इसीलिए अगर वो जिद नहीं करते तो मैं सोची थी टाल दूंगी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। चलिए फिर भी बनाना पड़ा। मेरी थकावट के वजह से उनको जो कृष्ण भगवान का जो कलर है वो मैं चढ़ा नहीं पाई। और चलिए वो अच्छे से कृष्ण भी बन गए और मैं उनको देख के यशोदा भी बन गई। हमारा कुछ अच्छे से रील्स वगैरह भी बन गया सॉरी। तो चलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। अगर पसंद आया तो फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।